सो है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के लिए हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके सेंटर परीक्षा के साथ साथ मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख एवं अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। पहला ऑप्शन में दिया गया अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, और ऑप्शन डी में दिया गया उद्योग धंधों की कमी को। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से इसी वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन 2 कहता है कि अंबेडकर के दृष्टिकोण से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। दोस्तों, क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण से भाईचारे का जो वास्तविक रूप है ना, वे दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 3 कहता है कि मदन किसका पुत्र था। तो हे दोस्तों, मदन किसका पुत्र था, यदि आप कहानी पढ़े होंगे विष के दांत, तो विष के दांत कहानी में आप सभी को बताया होगा कि मदन जो था ना, ये गिरधर लाल का पुत्र था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, और सेन साहब के पुत्र का नाम था सोफर। तो मैट्रिक एग्जाम में इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं कि सोफर किसका पुत्र था, तो सेन साहब का, और मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर लाल का। उसके बाद में अगला सवाल है कि विष के दांत कैसी कहानी है। दोस्तों, याद रखिएगा, विष के जो दांत हैं यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मनोवैज्ञानिक। उसके बाद में अगला सवाल 5 हमारा कहता है कि प्रत मानव का क्या अर्थ होता है। हे दोस्तों, प्रत मानव का मतलब होता है प्राचीन काल में जितने भी मानव होते थे उन तमाम मानव को प्रत मानव कहा जाता है, यानी प्राचीन मानव कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 कहता है कि हकर्ष कौन थे। दोस्तों, हकर्ष एक वनस्पति वैज्ञानिकों में से एक थे, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक। उसके बाद में अगला सवाल है, बेतमा कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, बेतमा जो है ये इंदौर के पास स्थित है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बेतमा कहाँ स्थित है, तो इंदौर के पास। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 8 कहता है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। यदि आप पाठ्यपुस्तक के कहानी को पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि रिश्तेदार की पत्नी के कुल 11 रुपए खो गए थे, यानी भुला गए थे, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन 9 कहता है कि शेक्सपियर कौन थे। पहला ऑप्शन नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, या डी में दिया गया निबंधकार थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। शेक्सपियर जो थे ना, यह दोस्तों एक उपन्यासकार थे, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 10 कहता है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पंडित बिरजू महाराज को संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक एकेडमी जो पुरस्कार है, ये सन 1965 ईस्वी में दिया गया था, तो जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए कि शहर अब भी संभावना है, यह किसकी कृति है। तो दोस्तों, शहर जो है वो अभी भी एक संभावना का विषय बन गया है। यह जो कृति है ये है अशोक वाजपेयी का, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 कहता है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था। पहला ऑप्शन में दिया जाता है बेचने के लिए, खाने के लिए, सी में दिया जाता है काटने के लिए, या ऑप्शन डी में दिया जाएगा कि कुएं में डालने के लिए। तो दोस्तों, याद रखिएगा, संतु जो है वो मछली लेकर इसलिए भागा था क्योंकि उसे कुएं में डालकर उसे पालना चाहता था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 13 कहता है कि सुलोचना कौन थी। दोस्तों, सुलोचना एक अभिनेत्री का नाम है, जो कि ऑप्शन ए में है।
अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सुलोचना क्या थी? तो दोस्तों सुलोचना एक अभिनेत्री का नाम है। उसके बाद में यहाँ पे अगला सवाल क्वेश्चन 14 कहता है कि टॉलस्टॉय कौन थे। दोस्तों टॉलस्टॉय एक बहुत ही प्रसिद्ध रूसी लेखक का नाम है जो कि ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दसवीं के एग्जाम पेपर में बोला जाएगा कि टॉलस्टॉय कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे दोस्तों, तो रूसी लेखक थे। इनके द्वारा कौन से पुस्तक की रचना किया गया था, तो वार एंड पीस पुस्तक की रचना टॉलस्टॉय के माध्यम से ही किया गया था, जो आपको सोशल साइंस में पढ़ना है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 कहता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों गुरु नानक का जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ पड़ता है, तो ये नानकाना साहब यानी गुजरात में पड़ता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नानकाना साहब में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 16 कह रहा है कि रहिरास किसकी कृति है। तो दोस्तों यहाँ पे 16 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। संत गुरु नानक का जो जन्म है तलवंडी में हुआ था और इन्हीं के माध्यम से रहिरास नामक एक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की रचना की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन 17 कहता है किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पोए कुटिन हिंदू वारिये। तो दोस्तों इन मुसलमान हरिजन पय कोटि हिंदू वारिय, ये जो कथन है ये किसका था। दोस्तों यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल व्याकरण खंड से लिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन 18 में बोला जा रहा है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है। दोस्तों अलंकार बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे उपमा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। तो यहाँ पे मनमानिक में देखिएगा, मनमानिक हो गया, उसके बाद में अपमानजनक हो गया, मनमौजी हो गया, ये तमाम शब्द में रूपक अलंकार होता है, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 19 कहता है कि प्रेमधन किस युग के कवि थे। पहला ऑप्शन में दिया जाता है आदिकाल के, भक्ति काल के, भारतेंदु काल के, और डी में दिया जाता है छायावादी युग के। दोस्तों याद रखिएगा कवि प्रेमघन जो है इसे प्रेम के पीर कवि के नाम से भी जाना जाता है, और कवि प्रेमघन जो है ये भारतेंदु युग के कवियों में से एक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 20 कह रहा है कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना किए थे। दोस्तों याद रखिएगा रसिक समाज के संस्थापक प्रेमधन को माना जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रसिक समाज। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा प्रेमघन का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, तो ना ही इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ना ही लखनऊ और ना ही बनारस में हुआ था। दोस्तों प्रेमघन का जन्म मिर्ज़ापुर में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, तो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 हमारा कहता है भारत माता के संबंध में क्या कथन सही है। पहला ऑप्शन शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी, और डी में दिया गया विंध्यवासिनी। दोस्तों पाठ्य पुस्तक में सुमित्रा नंदन पंत भारत माता चैप्टर के माध्यम से लिखते हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सांचल, गंगा यमुना के आंसू जल, इस प्रकार से उसकी भारत माता की प्रतिमा उदासिनी के बारे में वर्णन किया गया है। तो उसमें बार बार लाइन में एक ही चीज़ को लिखा गया है कि भारत माता ग्रामवासिनी यानी भारत जो माता है वो गाँव में निवास करती है। तो यहाँ पर भारत माता के संबंध में कौन सा वर्ड सही होगा, तो ग्रामवासिनी सही हो जाएगा। उसमें 23 को देखिए कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। तो जनतंत्र में जो कवि के अनुसार जो राजदंड बताया गया है वो है फावड़े और हल, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, फावड़े और हल। तो यहाँ पे उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन 24 को देखने जा रहे हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन 24 कहता है कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। दोस्तों अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद नामक जो वाद है वो जुड़ गया है। और इसी प्रकार से एक और सवाल पूछे जाते हैं अज्ञेय से रिलेटेड कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। दोस्तों अज्ञेय का जो पूरा नाम है वह है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उसके बाद में अगला सवाल 25 को देखिए कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। है दोस्तों कुंवर जो नारायण है क्या रस्यवादी कवि है, क्या छायावादी कवि है, या हालावादी कवि है, या डी में दिया जाता है संवेदनशील कवि है। दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर कुंवर नारायण जो है यह एक संवेदनशील कवि है, जो कि ऑप्शन डी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में
अगला सवाल क्वेश्चन 26 कहता है, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं। दोस्तों याद रखिएगा, बीरेन डंगवाल जो है ये जनवाद विचारधारा के कवि हैं। तो रहस्यवादी, रीतिवादी और सूफीवादी, ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जनवाद विचारधारा के कवि है बीरेन डंगवाल। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 से बोला गया है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है। दोस्तों याद रखिएगा, कंठोष्ठ वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण कंठ के माध्यम से किया जाता है। जैसे क हो गया, ख हो गया, ग, घ, ये जितने भी हम वर्ण आप सभी को बता रहे हैं ये तमाम के तमाम कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं जिसका उच्चारण क से होता है। तो क तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन ख दिया गया है जिसका उच्चारण कंठ से होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 28 को देखिए कि हिंदी में अंत अस्त वर्णों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों हिंदी साहित्य में यदि अंत अस्त वर्णों की संख्या के बारे में बात कीजिएगा तो कुल चार वर्ण होते हैं। चार वर्ण कौन कौन से होते हैं आप कमेंट बॉक्स में चले जाइए और इस चारों वर्णों का नाम लिख के चले आइए। बाद में अगला सवाल भी व्याकरण खंड से लिया गया है और क्वेश्चन के माध्यम से हमसे पूछा जा रहा है कि रमेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। दोस्तों रमेश का यदि आप सही संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो ये बनता है रमा घन ईश, यानी रमा जोड़ ईश बराबर रमेश होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 30 कह रहा है कि यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यदि यशोदा का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो यश जोड़ दा बनता है। दोस्तों यश जोड़ दा बराबर यशोदा होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कुछ में 31 को देखिए कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला ऑप्शन में दिया गया लड़ाई, मिठाई, चतुराई और डी में दिया गया है उतराई। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो लड़ाई भी एक भाववाचक संज्ञा है, चतुराई भी भाववाचक संज्ञा है, इसके साथ साथ उतराई भी एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई एक ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 31 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 32 कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन में दिया जाता है यमुना, गाय, पहाड़ और ऑप्शन डी में दिया जाता है आम। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 32 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो यमुना इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में बोला गया है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन चारों ऑप्शनों के माध्यम से आप सभी को बताना होगा कि कौन ऐसा सर्वनाम है जो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। पहला ऑप्शन में दिया जाता है आपको, उनको, जिनको और ऑप्शन डी में दिया जाता है हमको। तो दोस्तों याद रखिएगा, जिनको एक ऐसा सर्वनाम है जो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 33 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 34 को देखेंगे तो आप पाएंगे क्वेश्चन 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 34 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए, बी और डी में सर्वनाम का सही प्रयोग किया गया है, लेकिन क्वेश्चन 34 का यदि आप ऑप्शन सी को देखेंगे तो दिया गया है कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो मैं और तेरे को, यहाँ पे दो ऐसे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है जो अशुद्ध रूप से इसने प्रयोग किया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्दों की बात करेंगे तो सहारा पुलिंग है, सूची पत्र पुलिंग है और सियार भी आपका पुलिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया परिषद। दोस्तों याद रखिएगा, परिषद एक ऐसा वर्ड है जो स्त्रीलिंग शब्द होता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 36 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग शब्द है। पहला ऑप्शन में दिया गया कपट, सुंदरता, मूर्खता और ऑप्शन डी में दिया गया निंद्रा यानी नींद। यहाँ पे पुलिंग शब्दों की बात कीजिएगा तो ऑप्शन ए में दिया गया था कपट, यही आपका पुलिंग हो जाएगा। बाकी सुंदरता, मूर्खता और निंद्रा ये सभी के सभी स्त्रीलिंग वर्ड होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 37 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। पहला ऑप्शन में दिया गया समाचार पत्र, आग, वर्षा और सी में दिया गया हवा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में दिया गया समाचार पत्र और समाचार एक वचन का शब्द नहीं होता है।
उसके बाद में बोला गया है कि वचन का क्या अर्थ होता है। दोस्तों वचन का मतलब होता है कहना, संख्या, बताना। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, वचन का सही शब्द होगा इनमें से सभी। उसके बाद में 39 में बोला गया है कि जहाँ कर्ता स्वयं काज ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है, सलाह देता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देता है, ऐसे क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 40 को देखिए। क्वेश्चन 40 कहता है कि खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों खेलते खेलते बच्चे जो है वो थक जाते हैं, तो इसमें जो वाक्य जो हो जाएगा ये असमापिका क्रिया का उदाहरणों में से एक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, असमापिका क्रिया। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 41 को देख लीजिए। यहाँ भी 41 कहता है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। आप सभी को बताया जाता है जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण यदि दो विशेषण लगा हो वहाँ पे प्रविशेषण कहलाता है। तो इसमें प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि तेज भी और बहुत भी दोनों विशेषण है, अतः इसे हम प्रविशेषण कहेंगे। उसके बाद में है कि अंगार ब्रशना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन भयंकर क्रोध होना, सूखा पड़ना, मुसीबत आना, और डी में दिया जाता है कड़ी धूप होना। तो दोस्तों जब बहुत ही ज़्यादा कड़ी मात्रा में धूप होती है तो लोग क्या कहते हैं, अरे मानो तो ऐसा हो रहा है कि कड़ी धूप ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि अंगार बरस रहा है, यानी आग बरस रहा है। तो अंगार बरसना का मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा कड़ी धूप होना। उसके बाद में 43 कहता है दूसरे को बच्चे का पालन पोषण करने वाली तमाम स्त्री को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दूसरे के बच्चों को पालन पोषण करने वाली स्त्री को दाय कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 44 को देख लीजिए। क्वेश्चन 44 आपको कारक से लिया गया है, और बोला गया कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कारक के कुल 8 भेद होते हैं, जिसमें करण के मतलब ही होता है से, और आपादान के मतलब ही होता है से। इसमें प्रयोग किया गया कारक का चिन्ह का वो से है। तो वह घर से बाहर गया, एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी ऐसा वर्ड हो, कोई भी ऐसा वाक हो जिसमें कारक के विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग किया गया हो और उससे कनेक्शन हट गया हो, यानी टूट गया हो, तो कनेक्शन टूट गया हो तो आपादान कारक का यूज किया जाता है, और कनेक्शन जुड़ा हुआ हो तो करण कारक का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वह घर से बाहर गया, घर को छोड़कर बाहर चला गया, कनेक्शन घर से टूट गया है, तो आपादान कारक हो जाएगा। यदि रहता कि मैं कलम से लिखता हूँ तो मैं और कलम के बीच में संबंध जुड़ा हुआ है तो ये करण कारक हो जाएगा। फिर रहेगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो जाएगा, आपादान कारक। वह सांप से डरता है तो ये भी हो जाएगा आपादान कारक। उसके बाद में कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है। आप सभी को बताया जाता है जिस सामासिक शब्द का कोई भी पद प्रधान ना हो, उसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण हो, उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो लंबोदर का क्या होता है, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो क्वेश्चन का सही जवाब बहुव्रीहि समास होता है। अगला सवाल ही बोला गया दशमुख, तो दशमुख का मतलब होता है दशमुख वाला कौन है, तो रावण है। तो किसी अन्य शब्द को बना दिया ना तो हम कहेंगे कि बहुव्रीहि समास है। उसके बाद ही बोला गया है अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्ग का परिभाषा आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अनुवाद में देखिएगा तो देखिए अनु और वाद, तो अनु एक ऐसा वर्ड है जो वाद में मिलकर इसका अर्थ बदल दिया है, अतः हम कह सकते हैं अनुवाद में अनु उपसर्ग है। उसके बाद में बुलाया गया है कि अर्थ का विपरीत शब्द क्या होता है, यानी अर्थ का विलोम शब्द आप सभी को बताना होगा। तो दोस्तों अर्थ का होता है अनर्थ। बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं सोच रहे होंगे कि अर्थ का व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। अर्थ का होता है अनर्थ, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में 49 में बोला गया है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय का भी परिभाषा जान ही लीजिए। दोस्तों प्रत्यय हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे विज्ञान में देख लीजिए, तो विज्ञ जुड़ आन बराबर विज्ञान होता है। तो 49 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आन।
उसके बाद में बोला गया है इनमें से कौन सी पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे परिंदा एक ऐसा वर्ड है जो पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। परिंदा हो गया, खंग हो गया, विहंग हो गया, सारंग हो गया, ये सब पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बता चुके हैं हिंदी का 1 से लेकर 50 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी, जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।